हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरलस्ट दीप्ति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं खड़ी हूँ क्लब महिंद्रा प्रिस्टीन पीक्स रिजॉर्ट में, जो कि नालदेड़ा में है और ये शिमला से 25 किलोमीटर दूर है और एक घंटे की ड्राइव पे है। तो आज मैं आपको इस रिज़ॉर्ट का टूर दूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो अब चलते हैं। तो यहाँ से इसकी एंट्री है, ये एंट्री गेट है। यहाँ से अंदर आओ और ये बिल्कुल इसके साइड पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। इस रिज़ॉर्ट के चारों तरफ व्यूज़ हैं। ये रिज़ॉर्ट एक्चुअली एक हिल टॉप पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आने के लिए बस जब हम यहाँ आएंगे तो एक अकेला यही रिज़ॉर्ट है, ऊपर और कुछ नहीं है। एक नीचे से रोड कट रही है और यहाँ पे ऊपर आएंगे तो इन्होंने ही अपना एक रिज़ॉर्ट बनाया हुआ है, हिल टॉप रिज़ॉर्ट इनका। ये सारे व्यूज़ हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं यहाँ पे। और ये एक इनका प्रीमियम और लग्जरी रिज़ॉर्ट है, ये भी न्यू ही है, 2017 में ही ओपन हुआ है। तो ये सारा रिसेप्शन एरिया है रिजॉर्ट का। ये रिजॉर्ट कुछ कुछ यूरोपियन स्टाइल से बना हुआ है, तो हम रिसेप्शन एरिया में जाके देखते हैं कैसा है। तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर इनके रेस्टोरेंट्स हैं और गेमिंग जोन है, हम वो देखेंगे। तो वॉल पे यहाँ पे बहुत सारे इंटीरियर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे। एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स के टाइम के इन्होंने सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं, पोर्ट्रेट लगाए हुए हैं। जो ब्रिटिशर्स शिमला में उस टाइम पे रहते थे उनकी इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं सारी, काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स बनाए हुए हैं इन्होंने। तो ऊपर चलते हैं। ये अब हम ऊपर आ गए हैं और इनका रेस्टोरेंट है ये स्पाइस नाम से, डाइनिंग के लिए मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है इनका। यहाँ पे बुफे की फैसिलिटी भी है और एला कार्टा की भी है, अगर कोई बुफे लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है और एला कार्टा में से भी ऑर्डर दे सकते हैं। ये सारा बुफे लगा हुआ है इनका, तो काफ़ी अच्छा और लाविश बुफे है इनका। खाने में बहुत टेस्टी मील्स बनाते हैं ये, इनके शेफ्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी कुजीन खानी हो ये बना देते हैं और वो भी बहुत टेस्टी। ये कार्ट है, यहाँ पे स्नैक्स लगते हैं और बाहर सारा लॉन है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे बुफे टाइमिंग्स क्या हैं? 7:30 to 10:30 डिनर के लिए। yes,
ठीक है। और स्नैक्स ऑर्डर देने हो तो 7:30 से पहले? 7:30 से मैम स्टार्ट है। बेसिकली राइट नाउ मैम आप पिज़्ज़ा सैंडविचेस मिलेगा। ठीक है भैया, थैंक यू। ये बाहर लॉन एरिया है इनका, और ये सामने दो ब्लॉक्स हैं रिजॉर्ट के। तो अभी थोड़ी देर में हम खाने आएंगे यहाँ पे, और ये बाहर सारा इनका लॉबी है रेस्टोरेंट के बाहर भी। ये बाहर बालकनी है, मैंने इनके काफ़ी सारे रिजॉर्ट देखे हैं बट ये बहुत ऑसम है। ये टॉयलेट है यहाँ पे, वॉशरूम्स। तो गाइस फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको दिखा दिया है, उस पर इनका स्पाइस रेस्टोरेंट है, डाइनिंग और लॉबी और वॉशरूम्स वगैरह है। अब मैं सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ जहाँ पे इनका एक और रेस्टोरेंट है टेम्पटेशन नाम से, वहाँ पे जापनीज कुजीन वगैरह सब मिलता है, और गेमिंग जोन है हैप्पी हब के नाम से। तो आप ऊपर चल के देखते हैं। काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स हर जगह इन्होंने किए हुए हैं, यहाँ लोकल, इन्होंने सारा लोकल चीज़ों को ध्यान में रखकर इन्होंने इंटीरियर्स किए हुए, और बाहर यहाँ पे लॉबी है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ और सुंदर ऑसम व्यूज़ हैं, बहुत ही फंटास्टिक प्लेस है ये, मैं तो यहाँ पे दोबारा आऊँगी। और यहाँ पे इनका एक रेस्टोरेंट है जापनीज़ कुजीन का टेम्पटेशन नाम से। तो गाइज़ ये रेस्टोरेंट जो है टेम्प्ट एशियन पैन एशिया रेस्टोरेंट है, ये 7:30 to 10:30 ओपन रहता है, अभी ये बंद है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे इंटीरियर्स हो रखे हैं। जो भी जिस तरह का भी होता है उस तरह की थीम बनाते हैं ये। यहाँ पे जापनीज फूड बहुत अच्छा बनाते हैं यहाँ के शेफ, और ये हैप्पी हब गेमिंग जोन है ये, साथ में ही उसके सेकेंड फ्लोर पर। अंदर जाके देखते हैं। हेलो मैम, यहाँ पे कौन कौन सी गेम्स हैं? तो बच्चों के लिए सारी गेम्स हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे ना बोर्ड गेम्स हैं, कैरम बोर्ड है, टेबल टेनिस, लूडो, चेस, जेंगा, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री है। शाम को कैरोके है 7 o'clock से। थैंक यू भैया। एंजॉय कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। हेलो, एंजॉय कर रहे हैं सारे। तो यहाँ पे आने का एक मज़ा तो ये भी है कि यहाँ पे सारा दिन हम बिजी रह सकते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनकी। ये ऊपर भी है, तो नीचे भी है गेमिंग जोन, और ऊपर जाके एक और फ्लोर है जहाँ पे डिफरेंट तरीके की गेम्स हैं। ये बिलेट्स है, तो बिलेट्स का भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं यहाँ पे। वाओ, मैं तो यार सारा दिन गेम्स खेल सकती हूँ। तो गाइस ये गेमिंग जोन हमने देख लिया है, बहुत ही अच्छा है। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाऊंगी जो पूरे नालदेड़ा में सबसे ऑसम व्यू यहीं से दिखेगा। ये
ये वाव, चेक दिस व्यू, इतना अमेजिंग, बहुत ही सुंदर माउंटेन्स हैं, ये सारी हिल्स हैं, और ये जो रिजॉर्ट है ये खुद भी हिल टॉप पे बना हुआ है, तो हिल्स बिल्कुल सामने ही दिखती हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही फैसिनेटिंग है ये। तो हम बालकनी में खड़े हुए हैं, यहाँ के इंटीरियर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पूरा जो शिमला में ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो जो यहाँ पे थे, जो जो यहाँ पे होता था, कैसा कल्चर था, उनका सारा इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये रिसेप्शन लॉबी में कॉर्नर में बार है जहाँ हम ड्रिंक्स इंजॉय कर सकते हैं, तो ये बार एरिया है इनका, तो यहाँ पे हम आराम से ड्रिंक्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। चीयर्स द बार। तो अब हमने रिसेप्शन एरिया देख लिया है सारा, नीचे रिसेप्शन और ऊपर दो फ्लोर्स हैं, इनके रेस्टोरेंट्स हैं और सारा गेमिंग जोन है जो हमने अभी देखा है। आगे हम अब जा रहे हैं, तो आगे इनके दो ब्लॉक्स हैं वो कवर करते हैं, वो देखते हैं कैसे हैं। तो इनकी बिल्डिंग्स भी बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल हैं, देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऑसम। तो आगे चलते हैं, चेक करते हैं इनके वो ब्लॉक्स दोनों कैसे हैं और रूम्स कैसे हैं। यहाँ पे जो रूम्स हैं बेसिकली वो स्टूडियो रूम्स हैं, 1BR है, 2BR है, यहाँ पे नॉर्मल होटल यूनिट्स नहीं है इनके, क्योंकि इनका प्रीमियम रिजॉर्ट है, तो इन्होंने रूम्स भी वैसे ही रखे हुए हैं बड़े साइज़ के, और उसमें सारी किचन फैसिलिटी भी है दी हुई है इन्होंने। तो वैसे आगे चेक करते हैं इनका मेपल गेस्ट रूम्स, सिडार गेस्ट रूम्स, स्वस्था द हार्मनी स्पा। तो इनके दो ब्लॉक्स हैं, एक मेपल एक सिडार, और उनका उसमें एक स्पा भी है स्वस्थ नाम से। तो चेक करते हैं, ये देखो ये एक बिल्डिंग है और इसके साथ ही ये एक दूसरी बिल्डिंग है, तो अंदर जाके देखेंगे दोनों बिल्डिंग्स में एक एक करके। पहले इस वाली बिल्डिंग में चलते हैं, राइट वाली में, इसका नाम है सिडार ब्लॉक। काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान किया हुआ है उन्होंने रिजॉर्ट को भी, और सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। ये देखो ये सिडार ब्लॉक है, और इसके अंदर ये इसका लॉबी एरिया है सारा, बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन्होंने लॉबी एरिया बनाया है, हम आराम से यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं, कंफर्टेबल सोफ़ाज हैं यहाँ पे पूरे। और यहाँ से बाहर जाएंगे लॉबी से, तो यहाँ पे सारा व्यू दिखेगा, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है पर फिर भी बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। तो यहाँ की एक स्पेशलिटी ये है कि हम किसी भी रूम में रह लें तो ये व्यू आपको हर एक रूम से विजिबल है, चाहे किसी भी फ्लोर पे रहें, किसी भी ब्लॉक में रहें। तो वैसे पूरी लॉबी है, यहाँ पे रूम्स हैं सारे,
तो ये सेडार ब्लॉक तो हमने देख ली है, अब हम नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं। ये सामने ही बिल्कुल नेक्स्ट ब्लॉक है इनका, मेपल ब्लॉक। तो मेरा रूम इसी ब्लॉक में है। इस ब्लॉक में स्टूडियो भी है, 1BRB है, 2BRB है, बट वो जो सामने वाला ब्लॉक है सिडार ब्लॉक जो हमने अभी देखा, उसमें सिर्फ स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। इनका ऑफिस है, ये लॉबी एरिया है, और यहाँ पे गाइस स्वस्थ द हार्मनी स्पा, यहाँ पे स्पा है इनका। तो अंदर चल के देखते हैं। हेलो सर, तो यहाँ पे स्पा का क्या है? अच्छा, यहाँ पे इनका पूरा स्पा के साथ ड्यूरेशन एंड रेट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे हम स्पा ले सकते हैं एक अच्छा सा रिलैक्स होने के लिए। तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको, लेट्स गो टू माय रूम, चेक इट आउट। गाइज़ ये रूम में एंटर कर रहे हैं, तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ आपको। सोफा, ये बेड एरिया है, ये डाइनिंग, ये सोफा, और एक किचन एरिया। किचन एरिया भी है, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत कुछ बना के खा भी सकते हैं। अभी हम मैगी बना के खाएंगे, यहाँ पे भूख लग रही है। वॉशरूम, तो रूम मैंने आपको दिखा दिया है, अब गाइस रूम के बाद हम लॉन एरिया देखते हैं इनका। तो बिल्कुल हमारे ब्लॉक के बाहर, मेपल ब्लॉक के बाहर ही लॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन से बहुत ऑसम व्यूज दिखते हैं, यहाँ पे हम बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन देखते हैं। तो गाइज ये लॉन है इनका, यहाँ पे हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं व्यूज को। ये नाइट व्यू है इसका, दिन में भी बहुत अच्छा लगता है। ये नाइट व्यू है सारा, यहाँ पे सारी सिटिंग्स हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से व्यूज़ को एंजॉय करो। यहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक व्यूज़ दिखते हैं। अभी रात हो गई है, तो सारी लाइटनिंग दिख रही है, यहाँ से सारे हिल्स हैं और उस पे लाइट्स हैं। ये इस ब्लॉक में मेरा रूम है, और ये सामने दूसरा ब्लॉक है, ऐसे डार्क ब्लॉक जो हमने देख लिया है। तो यहाँ पे वॉक वगैरह भी कर सकते हैं रात को, और वॉक करने के बाद यहाँ बैठ भी सकते हैं। तो गाइस सामने ही इनका रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट को देखकर मुझे बहुत भूख लग रही है, तो हम अंदर जाके कुछ खाएंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज इस रिज़ॉर्ट का टूर कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, गुड बाय फॉर टुडे, बाय।